आज बड़ा खुशी का पूरे मंडावा विधानसभा में एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी खुशी का माहौल है आज। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे आला कमान खड़गे साहब को, राहुल जी को, सोनिया जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार जताना चाहूँगी। और इस बात का धन्यवाद और आभार कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करा, एक बार पुनः मुझे टिकट दी है। और मैं समझती हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी स्थिति है, कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर उसके साथ हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास के कार्य करे हैं उनको लेकर हम जाएंगे। तो लोगों के अंदर, हम लोग जब गांव में जाते हैं तो लोगों में कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे आला कमान के लिए, हमारी सरकार के लिए एक उत्साह उनके चेहरे पर नज़र आता है, क्योंकि उनकी आम जिंदगी से जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं हैं, जिनसे उनका जो कोविड के अंदर त्रस्त हो गए थे हमारे परिवार, गरीब परिवार हैं जिनके बेरोजगारी जैसे एक मुद्दा था, महंगाई था, इन सबको देखते हुए जो योजनाएं राजस्थान की सरकार लेकर आई है तो वो एक बड़ा इशू है लोगों के बीच में, उस सरकार के प्रति बहुत उत्साह है। आपके सामने बीजेपी से वही पुराना चेहरा है सांसद जो वर्तमान में नरेंद्र जी, वो दो बार आपको चुनाव हरा चुके हैं, इस बार क्या रणनीति रहेगी? दो बार तो मैं नहीं बोलूँगी, एक बार 2013 में मुझे टिकट नहीं मिला था, वो एक बड़ा कारण रहा। रणनीति तो बता देंगे तो रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है क्षेत्र के अंदर जाकर वो किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे। मैं समझती हूँ कि उनका जो पिछला MLA का कार्यकाल था और जो उनका अभी लोकसभा का, उनका सांसद का जो कार्यकाल रहा, तो देखें आप पूरे झुंझुनू जिले के अंदर ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं करा है जिसको लेकर वो एक मुद्दा बनाए। कोई भी बीजेपी का जो जिसको टिकट मिली है प्रत्याशी है, वो अपने क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं बना सकते। दूसरा, ये मंडावा से विधायक रह चुके हैं, मंडावा के अंदर उन्होंने एक काम नहीं करा है लोगों के लिए जो करना चाहिए। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इनके पास पार्लियामेंट में ही चले गए, संसद कोटा इनके पास में है, उसके बाद जिला परिषद इनके हाथ में है, तो काम बहुत होने चाहिए थे, लेकिन काम नहीं हुए। तो मुद्दे उनके पास नहीं है, मुद्दे सिर्फ केवल हम लोगों के पास हैं, कांग्रेस के सरकार की योजनाएं, हमारे विकास के कार्य, यही मुद्दे हैं। मैडम, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं आई हैं, तो जैसे कि जनता है वो राजस्थान से बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रही है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए मंडावा की जो जनता है और यहाँ के लोकल जो जनता है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके समर्थन में बराबर जुटी हुई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो मेरे पिताजी यहाँ पर 7 बार MLA रहे और निस्वार्थ भाव से उन्होंने मंडावा की जनता की सेवा करी, कभी भी भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं करा, कभी थाने की राजनीति नहीं करी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी अपने जो कार्यकाल रहा, चाहे पिछला हो चाहे ये हो, उसके अंदर ये कोशिश रही कि मंडावा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए ताकि हमारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र है वो अग्रणी रहे, आगे बढ़ सके, लोगों को वो सब सुविधाएं मिल सके जो एक बड़े शहर के अंदर बैठे व्यक्ति को मिलता है। मेरा यही प्रयास रहा हमेशा कि लोगों के अंदर सुख शांति बनी रहे, अमन चैन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बना रहे। तो ये ज़रूरी भी है, जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति करी जा रही है, और उसके अंदर मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अमन शांति बनी रहे, वो मेरा एक प्रयास था और इसलिए लोग जुटे रहे, क्योंकि मैं, वो मेरे पास आते हैं, उनके सुख दुख में मैं जाती हूँ, उनके काम करती हूँ, तो हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं मंडावा के अंदर।